हाय दोस्त, मैं आपके साथ होता हूँ। एंजॉय दी सलूशन चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, अगर आपके पास एक मोबाइल और एक लैपटॉप है तो आप ये जरूर चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल है उसको लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके चलाना। यानी सोचिए कि आप डेटा केबल या वाईफाई के साथ आपका जो मोबाइल है उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और इजीली आपका मोबाइल को इजीली लैपटॉप या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको क्या फायदा मिलेगा? पहले फायदा मिलेगा कि इजीली आप उसको मतलब मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं दो मेरे सॉफ्टवेयर लगा रखा है। पहला वाला है क्रोम का एक्सटेंशन जो कि है भाईजर, ठीक है, और सेकंड वाला है मिरर गो, ठीक है। दोनों मिरर सॉफ्टवेयर है पर दोनों का क्वालिटी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरा जो फायदा मिलेगा कि सोचिए आपके मोबाइल के अंदर कुछ वीडियो या मूवी वगैरह है, ठीक है, और उसको विदाउट कॉपी डायरेक्टली आप मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर चलाना चाहते हैं तो भी आप इजीली फुल स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर कुछ देखिए ये वीडियो है, ठीक है, तो इसको मैं अगर चलाना चाहता हूँ तो वो डायरेक्टली फुल स्क्रीन पे भी चला सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्त, यहाँ पे मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा, यानी भाईजर और वो मिरर गो है, दोनों के अंदर क्वालिटी कौन सा अच्छा है, ठीक है, और रिस्पॉन्स कौन अच्छा का रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, किसके लिए पेड करना पड़ता है और कौन सा फ्री है, ठीक है, तो दोनों फुल कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर तुमको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले दोनों का कंपेयर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये क्रोम का एक्सटेंशन है जिसका नाम है भाईजर, ठीक है, और जो कुछ देखने में ऐसा है, यहाँ पे देखिए पूरा क्रोम की तरह देखने में है लेकिन डिफरेंट है। इस पे क्रोम गूगल क्रोम लिखा आता है और यहाँ पे भाईजर आता है, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपका जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे गूगल ओपन कर लीजिए, और चाहे तो आप डायरेक्टली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यानी एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है भाईजर एक्सटेंशन। तो इसको सर्च करने के बाद देखिए पहले एक रिजल्ट आ चुका है, भाईजर क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। तो इसको मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इस पे क्रोम का जो वेब स्टोर खुल चुका है और यहाँ पे सिंपल आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यानी भाईजर एडेड है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको चला पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप इजीली चला सकते हैं और इसका जो क्वालिटी आप देख रहे हैं सिर्फ 64 GB का है, मतलब बहुत लाइट वेट का ये सॉफ्टवेयर है, सिर्फ व्हाट्सएप चलाने के लिए या थोड़ा चलाने के लिए मतलब कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए भाईजर सॉफ्टवेयर बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि लाइट वेट है। पर इसको आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको डिफरेंट देना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये भाईजर सॉफ्टवेयर इसको डायरेक्टली आप पेड करके भी चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे जो है वो है मिरर गो और इसका जो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये पेड सॉफ्टवेयर है फुल, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसका जो लाइसेंस की वगैरह डालना है और इसका लाइसेंस की भी डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिस्क्रिप्शन पे एक जीप फाइल मिलेगा आपको, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद पहले एक ईएक्सई फाइल मिलेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आपको लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे आपको लाइसेंस दिया हुआ है रेडमी के अंदर, वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों दिया हुआ है, उसको देने के बाद ये फुल वर्जन पे एक्टिवेट हो जाएगा। और इसका जो एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, इसका जो क्वालिटी मतलब जो देखिए वीडियो क्वालिटी मतलब जो मिरर क्वालिटी बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ पे ब्लरी हो रहा है लेकिन यहाँ पे फुल क्वालिटी है, ठीक है। और दूसरा आपको जो फायदा मिलेगा कि आप अगर यहाँ पे वीडियो वगैरह चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फुल क्वालिटी पे आप देख सकते हैं, मतलब कोई जो ब्लरी वगैरह नहीं आएगा। और डिसएडवांटेज जो है यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स रेट बहुत स्लो है, ठीक है, कंपेयर टू भाईजर, ठीक है। और दोस्त, यहाँ पे अगर सिर्फ आप YouTube के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हैं, यानी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा मिरर गो, ठीक है। मैं खुद भी इसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसका जो क्वालिटी बहुत अच्छा है, शायद थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्लो होगा लेकिन क्वालिटी अच्छा है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे कि डायरेक्टली आप यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त, आपके हिसाब से आप चूज कर लीजिए कौन सा बेस्ट लगेगा आपको और इसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, ऐसा करता हूँ वीडियो जो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों आपको अगर इस तरह का वीडियो कंटेंट देखना है चैनल का एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।